नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आपके आने वाली है और ये शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। अभी जो एक सूचना मिल रही है कि लोक सेवा आयोग की जो आगामी भर्ती है वो LT ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर ये भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो LT ग्रेड का शैक्षिक अर्हता से रिलेटेड जो विवाद था वो खत्म हो चुका है और इस पर जल्द ही आपको वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में ये भर्ती आई थी तो इसमें काफ़ी सीटें खाली चली गई थी और कुछ सीटें खाली जाने का कारण भी था जो आपके शैक्षिक अर्हता है उसकी डिग्रियों के विवाद का। अब उसके बाद वो डिग्री का जो विवाद है वो खत्म हो चुका है, तो पुरानी जो भर्तियां जो बच गई थी प्लस कुछ नए जो अधियाचन प्राप्त हुए हैं आयोग को, उसके तर्ज पर नया नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो जो लोग BEd धारक हैं वो एकदम कमर कस ले और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका फिर से ऑलमोस्ट आने वाला है। और खंड शिक्षा अधिकारी BEd धारक को ये एक तो टीचर की तो LT ग्रेड हो ही गया, जो खंड शिक्षा अधिकारी है इसमें भी आपके BEd वाले बच्चे को ही माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा नहीं, क्योंकि ये कोई शैक्षिक नहीं पोस्ट है लेकिन वो है मेन बेसिकली एक आधिकारिक पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है वो BEd नेसेसरी होना चाहिए, तो BEd वाले ही भर सकते, तो एक फिल्टर आउट हो जाता है कैंडिडेट का। तो आगामी जो भर्ती है उसके बारे में ये कुछ न्यूज़पेपर में है आपका, उसके मैं जिक्र कर दूं यहाँ पर क्या बोला गया है। तो ये ध्यान रखिए, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एकदम जो अभी बात करें कि शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक बिहार में आपका अच्छा खासा मौका है, उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है और ऑलरेडी BEd वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में आएगा भी तो प्राइमरी के ही चांसेस हैं आने के, बाकी तो नहीं। लेकिन आपके बिहार में जूनियर की भर्ती आ रही है, 9th, 10th, 11th, 12th की भर्ती आ रही है और फिर ये LT ग्रेड की आ रही है, तो इन पे आप लोग एकदम अपना पूरा जितना भी आपके अंदर जो है दमखम बचा हुआ है वो सब पूरा झोंक दीजिए और इसमें सेलेक्शन ले लीजिए कहीं ना कहीं। तो वही बोला, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और LT ग्रेड शिक्षक खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की योग्यता संबंधित विवाद जो है दूर होने के दावे किए जा रहे हैं। तीनों पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। जो तीनों पद हैं, एक तो कॉलेज में प्रवक्ता के लिए, दूसरा LT ग्रेड और तीसरा खंड शिक्षा अधिकारी, ये तीनों अपने आप में जबरदस्त पोस्ट हैं और तीनों को लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और जब लोक सेवा आयोग की बात आती है तो ये निश्चिंत रहिए, वैकेंसी विद इन 7 to 8 month आपकी फाइनलाइज हो जाती है, बस नोटिफिकेशन निकलने की देरी होती है, बाकी नोटिफिकेशन के बाद कार्यवाही बहुत तेजी से होती है। इन पदों पर भर्ती की मांग को लेकर धरना दे रहे प्रतियोगियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों ने यह जानकारी दी है। इससे रिलेटेड धरना चल रहा था आपके इलाहाबाद में, जो आपके छात्र थे उन्होंने आयोग पर जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तीनों पदों के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती की जानी है, लेकिन योग्यता को लेकर विवाद बना हुआ था, विज्ञापन में देरी के पीछे इसके कारण माना जा रहा है। इसे लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगियों ने बृहस्पतिवार को आयोग में धरना दिया। मोर्चे के अध्यक्ष विक्की खान ने बताया कि आयोग के अनुभाग अधिकारी ने बताया है कि योग्यता संबंधी विवाद का निपटारा हो चुका है, इसका प्रस्ताव अनुमोदन के लिए गया है, अनुमोदन मिलने पर एक सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जैसे आपका मिल जाएगा वैसे ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये मान के चले हम लोग 2 सप्ताह के बाद आपका कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के द्वारा एक अगली नोटिफिकेशन भी मिलेगी। जैसे आपको APS मिला, RO मिला, ऐसे ही अब अगली बारी जो है खंड शिक्षा अधिकारी LT ग्रेड और प्रवक्ता की है, ठीक है। तो प्रतियोगियों ने LT ग्रेड 2018 के तहत हुई भर्ती के रिक्त पदों की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भी अफसरों ने जल्द काउंसलिंग कराने का आश्वासन दिया। धरना प्रदर्शन करने वालों में अंजनी कुमार पांडे और कृपा शंकर निरंकारी, ये सभी लोग शामिल थे जिन्होंने ये धरना देकर और ये जो उनको अधिकारियों ने बताया उसी तर्ज पर ये आपके एक तरह बोला जाए अखबार में कटिंग आई और उनमें बोला गया कि जल्द ही जल्द इन पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी। और जैसा देखा गया कि लोक सेवा आयोग
अब जितने भी, क्योंकि आरओ यारओ के भी शैक्षिक अर्हता में कुछ विवाद था डिग्री को लेकर एआईसीटीसी वाला, वो भी विवाद खत्म हुआ। तो जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपका नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, एपीएस वाला भी नोटिफिकेशन आ गया। ऐसे ही अब अगला जो नोटिफिकेशन है खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड का आने वाला है। तो सभी लोग जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं, एकदम अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का निदान किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।